ताकि जे बोले सही जगह से बनू से चला बना को से तो जरूर तो अपे खोज अपे दामना समय अपे दामना समय अपे पे एम का तो कथा कर गया तो आले पूरे टीम से खन और आले जो तो सीनियर से खन आपे अड़ी अड़ी से सहार गया तो उना ही एक जोरदार तारे होना चाहिए। ये चीज देख करके हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि आप एक गार्जियन अपने कीमती समय को छोड़ करके हमारे पास अपने बच्चे के लिए आप टाइम दिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है और हम सब लोग को लगता है आप सभी लोग अपने बच्चे के लिए काफी मैंने अपने बच्चे के लिए काफी आप लोग सोचते हैं विचारते हैं। तो यहाँ के सर लोग कौन है, आपके बच्चे किस सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ के लोग कौन है और कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको बढ़ाने वाले कौन है और कहाँ कहाँ से लोग है। इस तरह से आपको देखने के लिए और दिखाने के लिए हम लोगों ने आप लोग को बुलाया। तो एक एक आदमी को आप लोग देखेंगे, एक एक सर को देखेंगे, तो एक एक चीज को आप लोग भी सुनना समझना है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गाँव में देहात में बहुत सारा चीज बोलते हैं। तो ये सारा चीज और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा टाइम दे पाया तो मैं चाहूंगा फिर से हमारे तमाम टीम के माध्यम से और हमारे ग्रुप के तरफ से आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियों से सभी गाते लोगों के लिए। दूसरा चीज कि आप सभी लोग यहाँ पे कुछ सीखने समझने के आए हैं तो आप सभी लोग के पास मोबाइल फोन वगैरह होगा तो उस मोबाइल फोन को अगर आप लोग स्विच ऑफ करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप मोबाइल में बिजी होंगे, मोबाइल आपका रिंग करेगा या वाइब्रेट करेगा तो आपको सुनने समझने में दिक्कत हो सकता है और आपको तो दिक्कत होगा नहीं होगा आपके बगल वाले को भी आपसे ज्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड में रखिए या तो साइलेंट मोड में रखिए और इस प्रोग्राम का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय कीजिए और अच्छा से सीखिए और समझिए। तो जितने भी लोग के पास मोबाइल फोन है वो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड में या तो वाइब्रेशन मोड में रख दीजिएगा और जो लोग फोटो खींचने वाले लोग हैं वो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख दीजिएगा ताकि फोटो लेने में डिस्टर्ब ना हो और आपको फोटो खींचने में डिस्टर्ब ना हो। तो सभी लोग आओ बैठो, सभी लोग आओ बैठो। चलिए तीसरा और अंतिम चीज मैं बोलूंगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एक मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है। हमारे जीवन में या आपके बच्चे के जीवन में और आपके लाइफ में ये जिंदगी का पहला और बहुत ही मने ऐतिहासिक टाइप का ऐतिहासिक का प्रोग्राम है। तो इसीलिए पूरा तन मन धन के साथ आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम को अटेंड करना है और एक एक बातों को अगर आपके पास डायरी हो तो एक एक बातों को नोट डाउन कर सकते हैं या पॉइंट वाला बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बच्चे को जो गाइड करते हैं कभी आपके घर में जाएंगे तो उससे मिलकर के आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए रेडी आप लोग सभी लोग। दूसरा चीज यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है बंपर सेल है कि नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? तो ये बंपर सेल का क्या कहानी है आप लोग को लास्ट में मैं बताऊंगा लेकिन आपको पूरा पूरा जब इस पूरा ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे तो 95% आंसर आपको मिल जाएगा और लास्ट में 5% जो बचेगा वही 5% मैं आप लोगों को पूरा क्लियर रूप से बताऊंगा कि ये बंपर सेल का मतलब होता क्या है। काफी लोग समझ चुके होंगे क्या होता है लेकिन मैं क्या बताने वाला हूं वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके जाना है, ये नहीं कि आधा में उठ करके चला जाना है आना है ऐसा नहीं करना, पूरा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है और अच्छे तरीके से सुनना समझना है। तो क्या आप सभी लोग इसके लिए रेडी हैं? Yes! रेडी हैं? Yes! दूसरा चीज ये जो बंपर सेल है इसका एक उदाहरण है, ये कभी साइलेंट होकर के बात करता नहीं है ना, इसका अपना आदत है साइलेंट होकर के बात करता नहीं है और साइलेंट बात ये सुनता भी नहीं है। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जिंदा है तो yes!
क्योंकि मैं जिस ट्रेनर को आपके सामने बुलाने वाला हूँ वो अपने आप में एक बहुत यूनिक पर्सन है। आज उन्हीं के ट्रेनिंग के वजह से आज पूरे इंडिया में एपीएलएल एक दूसरे डायमेंशन पर जा चुकी है और एक स्टूडेंट का लाइफ एक तीसरे डायमेंशन पर जा चुकी है। तो सोच सकते हैं वैसे ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उनका खुद का प्रॉब्लम यह है कि वो ना तो मुर्दा से बात कर सकता है ना तो स्टेज से बात कर सकता है। तो इसीलिए उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोग मुर्दे हैं और कुछ लोग स्टेचू हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जिंदे हैं तो yes! और दूसरा चीज, झारखंडी वाले लोग तो साइलेंट होकर के बात करता ही नहीं है, कहीं पे भी बात करता दड़ो दड़ो को गाँव मरवा। तो उन्होंने जहां ना कि मिताप है और बाग ना तो उन्होंने जवाब है और बाग जो लोग है उनको सम्मानित करने के वो जो है उनका जो गिफ्ट है वो लेकर के आए। और आप सभी लोगों को मैं चाहूंगा खड़े होकर